Hey guys, this is me, Robbie here, and I'm back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आज़ूर अफ्रीकन को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़िम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन होगा। सो गाइस प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। तो गाइस चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अलवेश यादव की व्लॉग के ऊपर याद करें। तो एक व्लॉग है उनका, आई थिंक सो उनकी कोई फॉर्चूनर गाड़ी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। व्लॉग देखते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। भाई क्या हालत होगी फॉर्चूनर की हमारी? भाई ये क्या कर रहे हो तुम? भाई यहाँ पे कुछ गलती हो गया भाई। गुड मॉर्निंग, तेरा नशा होता हुआ तुम करते हो गए नशा जो आप सुख साढ़े मेरे घर मड़क नो करा, अब उठा नशा करके सोया था। तू क्या करके सोया था भाई? साढ़े गुटखा है बीड़ी पी वे तू है और क्या करता हूं मेरी शक्ल तो लगा भी ना मैं नशा करूं, तेरी शक्ल तो लगे है तेरे तन लगे साढ़े तू पन्नी वन्नी चुगया कहीं आके सूसी रे करो मेरी शक्ल से लगे ना। अरे वो तो सो के उठाऊं ना, कौन गोली ना खाएगा हैंगओवर की है, हैंगओवर गोली ना खाया अपना गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, आंख लाल हो रही है भाई। मैं सो रहा था पूरे दिन तक, बीच में फिर अपने चैनल का थोड़ा मैंने इलाज करा कि कुछ हो सकता है क्या हो सकता है, अपील वपील डाली, मेल वेल करे थोड़े बहुत, फिर मैं नींद आ गई। मैंने इतनी जल्दी थोड़ी रिप्लाई आवे, 48 घंटे मांगे वगैरह, 48 घंटे देखो, 48 घंटे जो भी है। एक मस्त चीज दिखी मुझे, दूर तक कितने मस्त लग रहे हैं, फिर थोपड़े का भी बढ़िया लग रहे हैं। अब तू घिर गया मेरा आ गया। परफ्यूम दे भाई, परफ्यूम डाल, कौन सा परफ्यूम? यो तो पी जा तू, ले पी ले इसको, पी ले। कौन सी कंपनी का है भाई? स्किन बाय टाइटन। ये कौन सी कंपनी है? ऐसा ही है चाचा, तो कोई कंपनी है बढ़िया ना आवे ना है तो ये लगा ले हमारे घर आके रोज ना। ठीक है अपना ना अभी तो मैं सब पता। एक तू यहां पे क्यों लगाता भाई? ये लगाते हैं और कहां लगाते हैं यहां क्यों लगाते वैसे? अरे भाई तुम्हारी का होड़ू है, तुम चिपटम चिपटी करो, हम तो तेरा हाथ मिला के हम तो दूर तेरे कहे बहुत है। चलो अरे तुम तो चिपटो, चलो ठीक है भाई। अब मम्मा भाई यार की खातिरदारी हो रही है, आती बताओ भाई क्या आ रहा? मैंगो से आंटी का फोन आया था कि बच्चों आ गए तो। हाँ मैंगो से क्यों? हाँ आंटी पिला दो प्लीज। जॉन सीना बना रहा मैंगो से एक हवा। अभी मैंगो से आ रहा बनेगा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़े मैंगोज आ रहे हैं। उसके बाद क्या प्लान है तुम्हें पता है? वो देखने चलते हैं लेजेंडर कितनी होगी कितनी नहीं, बहुत दिन हो गए। सुबह उठ जावे पता कितने बजे? 12 बजे। जस्ट किडिंग, 6 बजे फूफा की दिखने वाली एज भाई पता ना बजा दे होगी। क्रिकेट खेलते टाइम 22 बजाओ फूफा, ये तो है वैसे होगी 45 के आसपास होगी। लगे ना ये तो पर लगा ना भाई फिटेस्ट। विना विना भाई की तुमने कितनी लगाए? विना भाई कहीं तो लगा 44 साल है भाई। विना भाई भी तो छोटा लगा है ना, पर विना भाई एक्चुअली में तो 44 है। ये तो है विना भाई का तो बड़ा कूड़ा। विना भाई की तो बहुत बड़ी बहू है भाई, जस्ट किडिंग। विना भाई इज यंगर
देन हिज एल्डर ब्रदर। भाई अभी अभी मैंने नु कह रहे कि भाई मेन चैनल पे हमारी शूट है एक दो दिन के अंदर, तो मैंने इनसे स्टोरी सुनाई। नु कह रहे ये तो हॉलीवुड की सी लग रही है। मैंने कहा अपना ऐसा ही है यार, हॉलीवुड बॉलीवुड लिखते रहे। मैं खुद लिखी है, मैंने ओरिजिनल है, ठीक है हॉलीवुड की ना है। हमने कुछ कही बढ़िया भाई, ये अर्चित की ताई गल बैठ के लिखी मैंने पूरी। अर्चित की ताई ने अपनी आप बीती बताई कि मेरी गल इसका ताऊ और ये सारे चाचा और ये इसके भाणजे भतीजे क्या करते रहे मैं, तो उस पर लिखी है मैंने। इसमें तो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ पब्लिक को। मेरे घर की स्टोरी ना आयो, ये तुम्हारे खेतों में सूट होगी। क्या लगा रहा तुम्हारे खेत में? ड्रैगन फ्रूट। ठीक है भाई, मेरी स्टोरी ना ऐसी है, थोड़ी सी सुनोगे तुम मजा आ जाएगा। सुनाओ थोड़ी सी स्टोरी ऐसी है कि इसमें जैसे मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप होकर मैं भगाऊँ आता है। मैं चल साड़ी क्या है, मतलब वैसे ही रियलिटी। अरे मतलब चल के चल निकट, अरे वहाँ तो निकटा मैं, और फिर मेरा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई, अब नई बंदी बन गई मेरी याददाश्त भूली ओढ़ में। क्या होता है? तो अब मेरे पे वो भी है, वो आने की कोशिश कर रही है, और नई है यो मैंने पटाई है। क्या है? समझ गए, समझे तुम? समझे तुम नहीं समझ रहे, जिंदगी रंगीन चल रही है। वीडियो वीडियो देख के समझ रहे, वीडियो आएगी जब शूट होगी ना, भूल जाओगे सब क्या ही ना। एक दिन तो हर चीज़ की ताई अपने ताऊ को भूल गई थी मुझे देख के, मुझे भी मेरी वीडियो देख के। ओल्ड स्कूल जोक्स यू नो, तू मार ले न्यू स्कूल जोक, न्यू स्कूल, न्यू स्कूल जोक मार ले। मैं मारने शुरू करूं फिर आपको चुप्पी बंद हो जाए, क्या फायदा? मेरी चुप्पी बंद हो जावे? चुप्पी तेरे तो मुंह बंद हुआ, मारे तो चुप्पी चुप्पी बंद हुआ। हाँ भाई ना दो का ओल्ड सेट, ये देख रहे हो टी शर्ट, और आज पहन रखा ब्लू लोवर, और अपना मैंगो शेक भी रेडी हो लिया। योरा ऐसे अपना यार मैंगो शेक पीते रहे, ये एक मोटा भी मैंगो शेक पीता रहा है, सब मैंगो शेक पीते रहे हैं, हम भी पी रहे हो क्या मैंगो शेक? तुम ओ तुम्हें वैसे मैंगो शेक पी के कैसा लगा आज पहली बार जिंदगी में? विद ओवर 220 मिलियन रेजिडेंट्स, पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉप। यस मोटर, हां जी बताओ। मैं कह रहा हूं सुनो, क्या तो ये वाला फोन हमें दे दो इस थोड़े टाइम के लिए, इसमें आपको एक्टिवेट करवा देंगे। हैं क्यों, किस तरह देना है? अरे हम टाइम लगे एक्टिवेट करने में ये फोन। अच्छा एक्टिवेट करने के लिए दे दूं? हां और दूसरा भी दे दूं? कितने देर की ना, वो रखो बड़ा नया वाला रखो, पुराना वाला दे दो, या फिर रुको। भाई मौसम देखो, और यहां बज रही लड़ाई, मौसम इतना सुहाना। कौन बैठ रहा है तुम में? तो गाड़ी में भाई ये बैठ रहा लड़का, अभी तो तू लड़ रहा था। मैं क्यों लड़ूंगा भाई, मैं कल बैठ के आ गया बैठेगा। अच्छा ऐसा आएगा तुम्हारे वो होड़ मचाएगा कौन बैठा खिलौने में? यार मेरा तो कंधा अभी तक ठीक नहीं हुआ। ले भाई बैठ लिया गाड़ी में, बाहर तो निकलन दो अब इसको। गाइस हमें अभी पता लगी कि फूफा जी का बर्थडे है, हम भूल गए थे, हमें बताई नहीं गई भाई। भूल कहां गए? हां मतलब मैं पता ना थी, तो बर्थडे मनाने जा रहे हैं एक बार कस्टम पे, केक को कटवाएंगे फूफा का, फिर बनाएंगे अगला सीन। भाई क्या हालत होगी फॉर्च्यूनर की हमारी? भाई ये क्या कर रहे हो तुम? भाई तोड़ दी यार तुमने गाड़ी भाई, कोई दिक्कत नहीं ऐसे खुशू में देख के। अच्छा ऊपर से भी होगी क्या, कितना हो गया अपने? अभी अभी स्कोर साफ होएगा, ये साफ होएगा, क्लीन भी होगा। कितनी होगी, कितनी लग ली हो इस पे? मतलब दो दिन में मिल जाएगी? कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, परसों दोपहर में ले लेना गाड़ी। वो तो आ जाती है। हाँ पीपीएफ हटानी पड़ गई ना, दिक्कत वहाँ की। इसकी बैठा दी साइड साइड की बैठा दी, जो पीपीएफ थी ना जो अपनी, उस पर मतलब बिल्कुल नॉन स्टिक ही था, शाइन ज्यादा थी, पानी वगैरह रुकता नहीं था, तो रैप भी उस पर चिपक नहीं रही थी। ओके बढ़िया लग रही है। और फूफा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल के फूफा जी? 20 नहीं 19 का ही हुआ यार, मैं 23 का है। एक और हुई, ये गाड़ी पूरी ये होगी, ये पूरी ना, ये रैप है ना? हाँ ये भी रैप। मैं कह रहा हूँ अपनी छत काली रहेगी। हाँ छत काली रहेगी, सेम वही अपनी पीकर छत की नहीं हटाई। ओके पिलर छत मतलब डुअल टोन रहेगी, ऊपर ब्लैक नीचे ना डोगरे, और बीच में कई कई जगह ना कुछ कुछ जगह ब्लैक का वो अपना जैसे ग्रिल लोगो ग्रिल वगैरह ब्लैक हो गई, और इसके शीशे वो ठीक है साइड मिरर। ओके और अंदर का कितना सौदा बैठ का? भाई तो पति पूरी ना खुल गई, पिछली बार भी इतनी खुली थी। पिछली बार मैंने देखी ना, छत छुतना कर रहे थे, हम कह रहे छत करेंगे सर, कल थोड़ी हो जाएगी इतनी जल्दी, एक दिन 3 घंटे काम छत का हमारा।
इनका तीन घंटा मतलब तीन दिन नहीं जेन्युइन तीन। आप जाओगे परसों गाड़ी लोगे मतलब परसों या उसे नेक्स्ट डे जब भी आप प्लान करते हो, बट आपसे गाड़ी कंप्लीट नहीं हो सकती। परसों या उसके अगले दिन प्लान करते हो वीडियो, हम तो क्या बोल रहे हैं, आप कर लो परसों प्लान। ना तो परसों तो ना। और भाई अंदर गियर बक्स और ये हो रहा भाई, इसका शीशा देखो ऐसा लग रहा है यार, ये तो पहली बार देखा मैंने इसका ऐसा। फुल ऑटोमेटिक कर दिए कटारे भाई, से दिन जिम कर सकते हैं। कपलर टू कपलर जुड़ जाए हैं हां भाई, बहुत मोटा मोटा गाड़ी का कपलर टू कपलर फिटिंग। तुम्हारी वो कहां है लक्ष्य? हमने तो इतना टाइम वेस्ट करा, जब भी मैं पता नहीं कहां रह जा रहा। तो रेडी हो रही भाई, पक्का हो जाएगी ना रेडी हो? हां परसों तक मिल जाएगी भाई। इसका कलर बता दो नेक्स्ट क्या कराओगे? अभी को बताएंगे, इसका कराएंगे हरा। नहीं हरा नहीं भाई, इसको मैक्लेरन वाला करा लेंगे, जो भी दिखा रहा था मैं। मैक्लेरन वाला कौन सा? ब्लू है, मियामी ब्लू। मियामी ब्लू नहीं है, मैक्लेरन वाला पर्पल टाइप कुछ है वो। देखो ये यार, इसमें सही ना लगेगी। यो क्या है? आयो पुरुष वाला ब्लैक, ये सोचा जा सकता है। पुरुष वाला ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक नहीं, एक तो पोर्शे के तो कलर भी होता है ग्रीन और ब्लू वाला। अरे मैंने दिखाए तो थे हां, मियामी ब्लू भी अच्छा भाई, ये वाला। हां हां ये देख तो, ये वाला प्यारा लगेगा। और एक ग्रीन है पोर्शे में, वो ये तगड़ा लगेगा, ये वाला ज्यादा बढ़िया लगेगा। हां यही कर लेंगे मियामी भाई। तुम्हारी पर आ गया, आ गया बर्थडे। थोड़ा देखा थोड़ी थोड़ा खा लेना, फिर थोड़ी दी भैया को तो देख बट का तो गाइस ये था जी व्लॉग एल्विश यादव का। पता नहीं इसके ऊपर कॉपीराइट ना आ जाए, अगर कॉपीराइट आएगा तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगी, लेकिन अगर ना आया तो फिर आप लोग इन्जॉय करना। सो जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल इनके जो व्लॉग्स हैं रॉ हैं, कोई खास थंबनेल नहीं बनाया हुआ, और जो वीडियोज जो डेली आप समझ लें कि लाइफ में हो रहा है बस वो साथ साथ दिखाते जा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी लगी है। और दूसरा ये कि इनकी जो लैंग्वेज है ना, जो वे ऑफ टॉकिंग जिस तरह से वो बोलते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ना ज़्यादा कैची लगता है, क्योंकि बात तो सभी कर रहे होते हैं लेकिन उनका एक्सेंट और उनका वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी डिफरेंट, तो इसलिए लोग ज़्यादा पैक करते हैं। ओवरऑल अच्छा था, मज़े का व्लॉग था भाई। मुझे लगता है कि इनको गाड़ियों का बहुत शौक है, मैंने तो फर्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा है, मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। ये मुझे पता है कि वो यूट्यूबर है, व्लॉगर है, लेकिन मैंने इनका व्लॉग फर्स्ट टाइम देखा है। एनीवेज यही थी वीडियो एंड यही था मेरा रिएक्शन इस व्लॉग के ऊपर। अगर इन्जॉय किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह।